छतरपुर जिले के ईसानगर थाना क्षेत्र में किसान ब्याज माफी योजना में गबन करने का मामला सामने आया है और इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 409 के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 3 लोग सहकारिता बैंक कर्मी हैं और 5 समिति प्रबंधक हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग 3,74,85,000 का गबन हुआ है। बैंक कर्मी विवेक भारती, सुनील कुमार शुक्ला, पारस कुमार जैन एवं समिति प्रबंधक शिव पूजन शुक्ला, उत्तम तिवारी, घनश्याम तिवारी, रतन सिंह, राजेश यादव की ऊपर एफआईआर की गई है। एसपी छतरपुर अगम जैन ने बताया है कि ईसानगर थाने में केंद्रीय सहकारिता मर्यादित बैंक के द्वारा एक जांच प्रतिवेदन इस आशय का प्राप्त हुआ कि कुछ गबन हुआ है, जिसके आधार पर 8 लोगों पर विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अग्रिम विवेचना कार्रवाई जारी है। कितना गबन हुआ है और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, पूर्ण रूप से जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ईसानगर में एक जांच प्रतिवेदन इस आशय का प्राप्त हुआ केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से कि कुछ उसमें गबन हुआ है। उस आधार पर 8 लोगों पर एफआईआर की गई है, अग्रिम विवेचना जारी है और कितना गबन है और कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व है उसको पूर्ण रूप से जाँच करके पदाधिकारी मुख्य रूप से ईसानगर केंद्रीय मर्यादित सहकारी बैंक के हैं और इसमें और कौन इन्वॉल्व है उसकी पूरी जांच की जा रही है।